हाय दोस्तों, मैं नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु सुरेंद्र सिंह। आज मैं सेक्टर 10 एलिफेंटा अपार्टमेंट, सेमी रॉ कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्लैट में जो बेसिक काम है वही काम किया गया, कोई फाइनेंशियल डील नहीं है, या बिल्कुल रॉ नहीं कह सकते इसको, सेमी रॉ है। वैसे काम बेसिक सारा किया गया हुआ है। इसकी मेन एंट्री है, ड्राइंग डाइनिंग आप देख सकते हैं। काम वैसे सेमी रॉ, इसलिए सेमी फर्निश मैंने इसलिए बोला है कि अभी ये फ्लैट जस्ट खाली हुआ है, सेल के लिए अवेलेबल है। एलिफेंटा अपार्टमेंट है, सेक्टर 10। ये ड्राइंग डाइनिंग है, सामने अब विंडो है, ड्राइंग डाइनिंग से हम घुसते ही राइट लेंगे तो हमें पहला बेडरूम मिलता है। जा रहे हैं पहले बेडरूम में। फ्लोरिंग आप देख सकते हो, फ्लोरिंग किया हुआ है, कबर्ड इसमें बनी हुई है। साथ में आपको कॉमन बाथरूम है, फ्लोरिंग कवर्ड सारा काम किया हुआ है, लाइटिंग वाइटिंग सारा काम कह सकते हैं। बिल्कुल इसको रॉ नहीं कह सकते, सेमी फर्निश कह सकते हैं। आप इसमें परचेज करते हो तो इसमें नॉर्मल काम करा के रहना चालू करा सकते हैं। ये एक बालकनी है छोटी सी, सामने का व्यू आपको बिल्कुल ग्रीन व्यू है। सामने वो सोसाइटी पार्क, काफ़ी अच्छी सुंदर पार्क बनी है। दोस्तों मेरे वीडियो जो प्रॉपर्टी गुरु, नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु जो है, इसमें मैं सिर्फ वो हाई फाई वाली नहीं जो दिखता है और अंदर कुछ और होता है, मैं वही फ्लैट आपको दिखाता हूँ जो रॉ भी होता है। अब आप देख रहे हैं जी, इसके बाथरूम कॉमन है और इसके साथ अटैच नहीं कह सकते क्योंकि इसके ड्राइंग डाइनिंग के साथ भी आप इसमें ड्राइंग डाइनिंग के साथ भी है, देख सकते हैं, और इस रूम के साथ भी है। सामने स्टोरेज दिया गया हुआ है। किचन में आ रहे हैं, किचन का साइज आप देख सकते हो। किचन में काम किया हुआ बेसिक, मैंने को पहले बताया कि बेसिक काम है, कोई इसमें लग्जरी या बहुत ही फर्निश काम नहीं कर सकते, सेमी फर्निश मैंने बताया। किचन का साइज भी आपको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। एंड अब सेकेंड रूम में जा रहे हैं। सेकेंड रूम में एक कवर देख रहे हैं, इसके साथ अटैच बाथरूम भी है। बाथरूम का साइज भी देख सकते हो, काफ़ी ठीक है। रूम के साइज बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं। सामने आपका ये विंडो, आई थिंक इसके साथ भी एक छोटी बालकनी दी गई है। अब हम जा रहे हैं थर्ड बेडरूम। इसकी बात सबसे बेस्ट मुझे जो लगा है, बेस्ट है कि ये थर्ड बेडरूम में जो बालकनी थी और सेकेंड बेडरूम की जो बालकनी थी, ये काफ़ी बड़ी लंबी सी बालकनी है। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी लंबी सी बालकनी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। उस रूम का भी जो सेकेंड रूम था वो काफ़ी बड़ी लंबी बालकनी है। अब आते हैं इसका व्यू दिखाता हूँ। इस बालकनी में आप देखो सामने का गार्डन कितना सुंदर व्यू है। हमें ITC वेलकम होटल दिख रहा है, नीचे की पार्किंग, सामने के ये बिल्डिंग है,
सामने आपको आयुष्मान हॉस्पिटल दिख रहा होगा वाइट कलर का। तो बालकनी सी काफ़ी अच्छी है और सोसाइटी का भी पार्क है और डीडीए का पार्क भी जो अभी आपने कुछ देर पहले देखा है। तीसरे बेडरूम में भी आपको विंडो काफ़ी बड़ा है, रूम का साइज भी सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ये नहीं कि आपको बहुत ही लग्जरी फ्लैट दिखाया, मैं हर मिक्सअप वीडियो डालता हूँ कि आपकी हर पार्टी की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। किसी को रॉ चाहिए, किसी को सेक्टर अलग चाहिए, किसी को लग्जरी चाहिए, किसी को अल्ट्रा लग्जरी चाहिए, किसी को डीडीए चाहिए, किसी को बिल्डर फ्लोर। तो मेरा मेन मकसद है कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो मेरा मेन मकसद है कि इससे सारे को सारे मेरे वीडियो देखें और उनको यूज मिले। किसी को जिसका जो बजट है उसके हिसाब से हर वीडियो अवेलेबल है, हर सोसाइटी का डिटेल अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।